हेलो सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम सूरन की सब्जी बनाने चल रहे हैं। ये सूरन हम काट रहे हैं, इसको छील लिए हैं, अब इसको पीस पीस में काटेंगे। ये हमारा सूरन कट रहा है। इसको हम पूरा काट लेंगे, उसके बाद अच्छी तरीके से धो लेंगे। ये हमारा सूरन अच्छी तरीके से कट गया है। अब इसको हम साफ पानी में 2-3 बार धो लेंगे, रगड़ रगड़ के अच्छे से, ताकि ये साफ हो जाए। धुल रहे हैं जब तक साफ ना हो जाए अच्छे से। ये धुल लिए हैं, अब हम कुकर में रख रहे हैं। इसको हम कुकर में हल्का सा 1 सीटी लगा के बॉयल करेंगे। अब गैस ऑन कर दे रहे हैं। मेरा सूरन बॉयल हो गया है। अब हमने थोड़ा सा तेल डाल के सब चीज़ फ्राई करना है, मसाले की तैयारी। अब इसमें हम जीरा डालेंगे, 2 चम्मच लिए हैं। हल्का सा ही ब्राउन होने देंगे प्याज। ये प्याज हमारा ब्राउन हो गया, अब इसमें अदरक पीसेंगे। इसमें हम लहसुन और मिर्चा कूटे हुए हैं मिलाएंगे। इसको हम थोड़ी देर ब्राउन करेंगे। ये देखिए ब्राउन हो रहा है। ये इसमें हम थोड़ा सा मूंगफली, कच्ची मूंगफली कूट लिए हैं, अब इसको हम डालेंगे। इसको ब्राउन करेंगे थोड़ा सा, 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। इसको हम थोड़ा देर पकाएंगे, तब पकाने के बाद इसको मिक्सर में पीसेंगे। ये देखिए मेरा सूरन जो है बॉयल हो गया है। ये हल्का सा ब्राउन ये पक गया है, ये हम निकाल रहे हैं। इसको हम थोड़ा फ्राई करेंगे बेसन में। ये टमाटर और ये सब फ्राई हो गया है, इसको हम मिक्सर में डाल के पीसेंगे। थोड़ा ठंडन है, और ये हम थोड़ा सा हल्दी 1/2 चम्मच लिए हैं, अब इसको हम मिलाएंगे। थोड़ा गाढ़ा घोल बनाएंगे।
ये मेरा घोल बन के रेडी हो रहा है। ये देखिए अच्छे तरीके से एकदम गाढ़ा घोल बन गया है। इसको हम फ्राई करेंगे। ये तैयार हो गया घोल। ये मेरा हल्का ठंडा हो रहा है। अब इसको हम मिक्सर में डालेंगे, उसके बाद हम इसको पीसेंगे। रख दे रहे हैं तब से, 2 मिनट और ठंडा हो जाए, भी गर्म है तब से हम सूरन को फ्राई करते हैं। हाँ दोस्तों, देखिए हम घोल बना के रखे थे बेसन का, अब इसमें हम सूरन को फ्राई करने जा रहे हैं। ये तेल हमारा गर्म है। इसको हम फ्राई कर रहे हैं, इसके बाद हम बनाएंगे। इतनी टेस्टी सब्जी आप लोग भी बनाइएगा, देखिएगा इस तरह से। देखिए हम डाल दे रहे हैं पूरा। अब इसको थोड़ी देर पकने देते हैं, तो हम पलटते हैं। ये मेरा सूरन एक तरफ हो गया है, इसको हम पलट रहे हैं। ये हमारा देखिए पलटा गया है। अब इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे ब्राउन, जब तक ना हो जाए। इसको हम अच्छी तरीके से पका लेते हैं। इस तरह से दोस्तों सब्जी बहुत टेस्टी आती है, हम हमेशा बनाते हैं बच्चों के लिए। जब भी बनाते हैं तो इसी तरह से बनाते हैं। ये सूरन वैसे भी पसंद है, पनीर जैसे लगता है। ये देखिए मेरा कितना अच्छा ब्राउन हो गया है। अब इसको हम निकालेंगे, आराम से निकालेंगे। ये देखिए अब जो बचा हुआ है इसको हम डालेंगे। इसको हम डालेंगे। इसको पूरा डाल ले रहे हैं। ये हम फ्राई करके जो रखे हुए थे प्याज व्याज सब मूँगफली, इसको ठंडा हो गया है, इसको हम पीस रहे हैं मिक्सर में। हाँ दोस्तों, देखिए मेरा अच्छे से पेस्ट बन के तैयार हो गया है। इसको हम प्लेट में निकाल रहे हैं। पूरा हम निकाल रहे हैं। एक तरफ ये मेरा सूरन फ्राई हो गया है बेसन में, इसको भी हम निकाल रहे हैं प्लेट में। हाँ दोस्तों, देखिए मेरे सूरन जो है फ्राई होकर रेडी हो गया है। अब इसको हम बनाने चल रहे हैं।
हाँ देखिए मेरा कढ़ाई गरम हो गया है, अब इसमें हम तेल डाल रहे हैं सरसों का। ये मेरा देखिए किस तरह से सूरन तैयार है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी। हम प्याज काट लिए हैं और इसमें लिए हैं ये तेज पत्ता है, ये लौंग है और छोटी इलायची लिए हैं। ये मेरा पिसा हुआ मसाला है, ये मेरा हल्दी पाउडर है, ये धनिया पाउडर और ये गरम मसाला लाल मिर्च। हाँ इसको हम घोल रहे हैं, थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से घोल तैयार हो जाए। देखिए घोल तैयार है मेरा, थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। मेरा तेल गरम हो गया है, एक चम्मच हम जीरा डालेंगे, उसके बाद ये डालेंगे तेज पत्ता लौंग, अब इसमें हम प्याज डालेंगे, इसको हम ब्राउन कर रहे हैं अच्छे से। ये देखिए प्याज मेरा ब्राउन हो गया है अच्छी तरीके से, देख लीजिए। अब इसमें हम मसाला का घोल पहले डालेंगे, इसको हम अच्छे से पकाएंगे। बीच बीच में जलाते रहेंगे, नहीं पकड़ ना ले। धीमी आंच में हम इसको पकाएंगे। ये देखिए हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है, इसको हम बराबर अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे ताकि पकड़े ना। ये मेरा मसाला तैयार हो रहा है, इसमें हम जो पेस्ट बनाए हैं उसको हम डालेंगे अभी। ये हम पेस्ट को मिलाएंगे, हाँ देखिए इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे धीमी आंच में। ये देखिए मेरा जो है मसाला अच्छी तरीके से पक गया है, इसमें हल्का हल्का तेल निकल रहा है, लग रहा है कि पक गया। अब इसमें हम सूरन को डालेंगे, इसको हम मिलाएंगे और 5 मिनट के लिए धीमा गैस करके ढक देंगे ताकि अच्छी तरीके से ये भी पक जाए। ये देखिए मिला लिए हैं हम इसको, इसको हम ढकेंगे। ये देखिए दोनों मसाला और सूरन अच्छी तरीके से मिल गया है, अब ये नीचे पकड़ने लगा है ये। अब हम इसमें पानी डालेंगे, वो भी पानी जो है ठंडा नहीं डालते हैं क्योंकि सब गर्म है तो ठंडा पानी से स्वाद बिगड़ जाएगा, इसमें हम गर्म पानी करके डाल रहे हैं। इसको हम मिलाएंगे, इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। ये देखिए गर्म पानी डाले थे जल्दी से पकने लगा,
बीच में नमक डाल दे रहे हैं। अब 10 मिनट के लिए पका लेंगे। बहुत जल्दी पकेगा क्योंकि सब गर्म है। ये देखिए ये देखिए मेरी सब्जी बन के रेडी है। हम इसमें ऊपर से धनिया लगा दे रहे हैं। इसको हम खाने के लिए निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से दोस्तों बनी है सब्जी मेरी। इस तरह से आप भी ट्राई करिए। हाँ दोस्तों देखिए इस तरह से मेरी सब्जी बनके रेडी है। अब हम खाने के लिए इसको निकाल रहे हैं। इस तरफ से आप भी बनाइएगा और अपने घर वालों के लिए खिलाइए ट्राई करके। दोस्तों मेरे चैनल को अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए प्लीज़। दोस्तों धन्यवाद।